इस तरह का अन्याय अत्याचार कितना राम का नाम। हमारे पास एक रोटी नहीं खाने के लिए कौन सा राम का नाम आ गया हमको देने के लिए। ये जवाब दी के हाथ गोड़ सब जोड़े लेकिन कुछ किए ही नहीं गया हमारे सबके खिलाफ, सुनवाई कहीं नहीं हुई हमारी सबकी। नमस्कार, मैं रोहित राज ऑफिशियल। आज हम बात करेंगे रामलला की जन्मभूमि के बारे में, जिसको कि हम लोग अयोध्या के नाम से जानते हैं। 22 जनवरी 2024 मतलब आज के दिन ही रामलला अपनी जन्मभूमि में पधार रहे हैं। क्योंकि आज के दिन ही उनके मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है और आज के दिन से ही कहा जाएगा कि रामलला अपने घर को पधार चुके हैं। इसीलिए गाना भी बना है, मैं अंगना सजाऊंगी क्योंकि मेरे राम आएंगे। लेकिन जिनका घर तोड़ दिया गया वो अपना अंगना कैसे सजाएंगे, उनके घर राम कैसे आएंगे? आप पहले ये वीडियो देख लीजिए। उनका नाम, अरे राम का नाम, क्या राम का नाम। इस तरह का अन्याय अत्याचार कितना राम का नाम। हमारे पास एक रोटी नहीं खाने के लिए कौन सा राम का नाम आ गया हमको देने के लिए। ये जवाब दीजिए। तिनका चुन करके तब घर बनता है, आप लोग विकास कर रहे हैं, कैसा विकास हो रहा है, ये कैसा विकास है। राम जी का मंदिर बनवा के सबके घर को तोड़ दो। आप इस वीडियो में देख रहे हैं, ये औरत रो रही है और राम भगवान के बारे में भी बोल रही है कि राम नाम से क्या हो जाएगा, राम क्या जाने से क्या होगा, हमको 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी, मेरा घर तोड़ा जा रहा है। आखिर आप सोच रहे होंगे इस महिला का घर क्यों टूट रहा है, ये महिला आखिर क्यों रो रही है। तो आपको बता देना चाहते हैं, अयोध्या मंदिर से 14 किलोमीटर का एक रास्ता बनाया जा रहा है, जिस रास्ते का नाम रखा जाएगा राम पथ, और उस रास्ते में आने वाले दोनों तरफ के घरों को तोड़ा जा रहा है। एक वीडियो अभी आप और देख लीजिए। हाथ गोड़ सब जोड़े लेकिन कुछ किए ही नहीं गया हमारे सबके खिलाफ, सुनवाई कहीं नहीं हुई हमारी सबकी, और मुआवजा भी कुछ नहीं दिए गए। इस वीडियो को देखने के बाद एक बात तो साफ हो जाती है कि जब उनका घर तोड़ा जा रहा है 14 किलोमीटर रास्ते में, मतलब रास्ते का चौड़ीकरण किया जा रहा है। अगर रास्ते का चौड़ीकरण किया जा रहा है, इन लोगों का घर तोड़ा जा रहा है, तो वाजिब है अगर जिनका घर टूटेगा उनको सरकार मुआवजा देगी। लेकिन यहाँ पर इस वीडियो में ये शख्स बोलता हुआ दिखाई दे रहा है कि हमारा घर तोड़ दिया गया, सरकार की तरफ से मुझे कुछ मुआवजा भी नहीं दिया गया है। इसलिए ये लोग रो रहे हैं, सैकड़ों लोग बेघर हो गए, सैकड़ों घर 14 किलोमीटर रास्ते में। आप सोच सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि 1400 घरों को तोड़ा गया है। अभी ये पुख्ता सबूत नहीं है, इस पर हम नहीं बता सकते, लेकिन सैकड़ों घरों को तोड़ा गया है। अभी कुछ लोगों को लग रहा होगा जब राम मंदिर बना है तो सैकड़ों घरों को तोड़ा जा रहा है तो क्या बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि उन लोगों को मुआवजा नहीं मिला। वो लोग किस बात की खुशी मनाए, वो लोग आखिर किस बात की खुशी मनाए। अगर आप एक चीज को उन लोगों के बीच में रख करके देखिएगा, आप लोगों का घर होगा, चाहे वो झोपड़ी का घर हो या पक्का का घर हो या खपरा का घर हो, किसी भी तरह का घर हो आपका, आपके जितना भी सामर्थ्य होता है उसके अकॉर्डिंग आप अपना घर बनाते हैं। अगर आपका घर उसी रास्ते के बीच आया होता तो क्या आज आप खुश होते? क्या आप आज 22 तारीख को राम पधार रहे हैं तो इसका उत्सव मना रहे होते? क्या आप दुखी होते? उस जगह पर खुद को रख करके देखिए, तब उन लोगों की आपको पीड़ा का महसूस होगा। वे महिला और बहुत सारे बच्चे जो घर से बेघर हो गए, जो सक्षम थे वे वहीं पर झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं, जो सक्षम नहीं थे कहीं आश्रम में जाकर रह रहे हैं। इनकी पीड़ा को आखिर कौन देखेगा? हम और आप ही देखेंगे। राम आ रहे हैं, चलिए मानते हैं राम आ रहे हैं, लेकिन जिनका घर तोड़ दिया गया उनके घर कैसे राम आएंगे? एक तरफ खुशी का माहौल है और इस तरह से बनाया जा रहा है माहौल, जैसे कि लग रहा है कि मतलब दुख का माहौल कहीं पर छाया हुआ भी नहीं है, लेकिन जब एक तरफ होकर के देखते हैं तो सिर्फ दुख और दुख ही दिखाई दे रहा है। अगर आपके घर के बगल में कोई एक अच्छा कार्य होता है, या अच्छा कॉलेज बने, अच्छा स्कूल बने, या अच्छा मंदिर बने, तो आप लोगों को खुशी होती है कि कब बनेगा। तो उसी तरह अयोध्या में रहने वाले लोगों को भी इस बात की खुशी होगी कि अयोध्या में रामलला का मंदिर बन रहा है। लेकिन वहां के रहने वाले व्यक्ति को यह पता नहीं था जब रामलला पधारेंगे तो उन्हीं लोगों को घर से बेघर कर दिया जाएगा। आज रामलला की धरती पर यही हो रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ये सच्चाई लोगों तक पहुँचनी चाहिए कि एक तरफ खुशी का माहौल है और एक तरफ दुख का माहौल है। तो आपको कौन सा माहौल चुनना है? अगर आप इस खुशी में खुश हैं कि दूसरों का घर टूट रहा है, तो आपको सोचना चाहिए कि अगर आपका घर उस जगह पर होता तो क्या आप इसी तरह से मुस्कुरा रहे होते। मैं रोहित राज ऑफिशियल। यू शुड नो व्हाट इज हैपनिंग इन अयोध्या नाउ। चौड़ीकरण, नया घाट से लेकर शहादतगंज तक 14 किलोमीटर लंबा रामपथ बनाया जा रहा है, जिसके लिए सैकड़ों घरों और दुकानों को तोड़ा जा रहा है। इस रास्ते में आने वाली 30 मंदिरों और 12 मस्जिदों को भी हटाया जाएगा। अयोध्या की जनता चाहती थी कि ये बात आप तक पहुँचाई जाए, तो मैंने पहुँचा दी।
वैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ये किसी के लिए विकास है तो किसी के लिए विनाश।